इंडिया फर्स्ट न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। स्कूल शिक्षा मंत्री के पैतृक गांव बैरखेड़ी में दो शिक्षकों की हुई पद स्थापना। इतनी सुधार लाए कि लोग प्रभुराम चौधरी का या हमारे माननीय कमलनाथ जी का नाम लें, उसके साथ साथ बेगमगंज की भी छाप स्कूल शिक्षा पर लग पाए। रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज के ग्राम बैरखेड़ी के मिडिल स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था होने से छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया, मानो कि दीपावली हो गई हो। हमारे यहाँ पर पहले एक टीचर थे तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अब तीन टीचर हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, अब नहीं है प्रॉब्लम कुछ। इंडिया चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि यह बैरखेड़ी गांव मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के पैतृक गांव का मिडिल स्कूल है। इंडिया फर्स्ट न्यूज की टीम ने गांव के मिडिल स्कूल के खराब हालात और शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं को भविष्य खराब होने की खबर को प्राथमिकता से उठाया था। मंत्री श्री चौधरी ने खबर को संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश देकर तत्काल दो शिक्षकों की व्यवस्था की, जिससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। शिक्षकों की कमी थी और इस संबंध में हम लोगों ने बहुत लिखा था वरिष्ठ कार्यालयों को, लेकिन अब जो मंत्री जी ने हमारे यहाँ तीन दो शिक्षक और भेज दिए, नियुक्त कर दिए हैं, तो अब पढ़ाई जो है बहुत सुचारू ढंग से पूर्ण हो रही है और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। हमारे विद्यालय के लिए मंत्री जी ने इतना ध्यान दिया। मेरी नियुक्ति यहाँ पर अभी तीन चार रोज पहले ही हुई है। इसके पहले मैं पीएसपी पाणी पदस्थ था और मंत्री जी के अनुसार यहाँ पर हम लोगों की व्यवस्था माध्यमिक विद्यालय बैरखेड़ी में की गई है। इंडिया फर्स्ट न्यूज ने जो बैरखेड़ी ग्राम के स्कूल के संबंध में जो वीडियो चलाया था, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही माननीय मंत्री जी को ये जानकारी लगी कि वहाँ एक शिक्षक की शाला बची है, तो उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर तुरंत ही अपने अधिकारियों को निर्देशित किया और आज दूसरे ही दिन वहां दो शिक्षकों की और नियुक्ति हो गई है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के स्तर का विकास माननीय शिक्षा मंत्री जी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया फर्स्ट मैं इसको प्रमुखता से इस खबर को सभी जगह भेजा गया और सभी जगह से माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार, जिला शिक्षा महोदय के आदेशानुसार वहां पर तत्काल दो और टीचर की व्यवस्था कर दी गई और आज की स्थिति में तीन टीचर पर्याप्त हैं और वहां की शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। बेगमगंज से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।